गुड मॉर्निंग माय ट्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, आज का जो फैट कटर ड्रिंक है बहुत ही इजी है। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, अगर आप लोगों ने देखा है उस वीडियो को, तो अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। मौनी रॉय जो नागिन सीरियल की जो हीरोइन थी, उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में कि वो सुबह टर्मरिक वाटर लेती है, तो आज मैंने वही बनाया है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप पिए सुबह सुबह अगर खाली पेट पिएंगे ना बहुत अच्छा रहता है। बनाया है, क्या बनाया है इसको, क्या बोलते हैं, उत्तपा। उत्तपा आज तमन्ना के हाथ का उत्तपा नाश्ता में खा रहे हम लोग, ठीक है। बैटर बनाकर मैंने दे दिया था और तमन्ना ने ये उत्तपा बनाया है। तो गैस आज बच्चे घर पे हैं तो सब साथ में ही नाश्ता कर रहे हैं, आज बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया दोपहर के लंच का टाइमिंग और आज थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, थोड़ा सा वीकनेस सा लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि फीवर जैसा आ रहा है, तो मैंने आज नहाया भी नहीं है, ठंडी सी लग रही थी मुझे, हाथ पैर धोया और कपड़े बदला। तो अभी मैं लंच करने जा रही हूँ, लंच में आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, मन के पापा आज नहीं आने वाले खाना खाने के लिए। तो बच्चों के लिए मैंने दाल चावल और थोड़ा सा बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी और मैं दही के साथ खा रही हूँ। तो आज ना मेरे पास सैलेड के लिए सिर्फ गाजर था, तो मैंने वो खा लिया था, इसलिए खाने में नहीं रखा है। मैं दिखा रही हूँ आपको मैंने खाने में क्या क्या लिया है। और हाँ, मैं अब से ना अपना प्लेट बड़ा बर्तन में नहीं, छोटे प्लेट में खाना खाना स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि छोटे प्लेट में जब खाना खाते हैं कम खाना भी ज़्यादा लगता है और दिमाग पे भी मैसेज जाता है कि आपका खाना बहुत है, ठीक है। तो आज मैं यही रूल्स अपना रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ मैंने कौन सा प्लेट में खाना लिया, आप भी देख लो। प्लेट जिसमें मैं बचपन में तमन्ना को खाना खिलाया करती थी, उसी छोटे से प्लेट में मैंने खाना लिया है। तो ये बैंगन आलू की सब्ज़ी है और ये दही लिया है मैंने, और यहाँ मैंने दाल बनाया है और मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल है। तो मैं आज यही खाना खाऊँगी, खा लेती हूँ फिर आप सबसे बात करती हूँ और आगे जो भी होगा आपसे शेयर करूँगी। थोड़ी सी वीकनेस है इसलिए मैं थोड़ा सुस्त हूँ आज, आप समझ सकते होंगे, और हर रोज़ इंसान का एक जैसा नहीं जाता है, थोड़ी परेशान भी हूँ, तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए पहले खाना खा लूँ फिर आपसे बात करूँ, ठीक है। चलिए, शाम होने आ रही है आज ना, एक्चुअली मैं आज सो गई थी, तो शाम के चाय टाइम में जो मैं स्नैक्स लेती हूँ ना, तो वो नहीं लिया था। अभी सोकर उठी हूँ, मतलब 6 बजने आ रहे हैं, 5:55, ठीक है, 6:10 तक में। तो मैं अभी ले रही हूँ रोस्टेड चना, तो ये खा लूँगी अभी थोड़ा सा, और आधे एक घंटे बाद ना मैं थोड़ा सा फ्रूट ले लूँगी। मैं आज ना मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, तो मेरे पास है ना बनाना है, ऑरेंज है, मैं दिखा देती हूँ, ऑरेंज है और केला भी है, तो इनमें से कुछ मैं खा लूँगी। मेरे पास पाइनएप्पल भी है, तो वो देख लूँगी मैं। तो उठने के बाद ना थोड़ा सा मतलब सुस्ती सा लगता है बहुत ज़्यादा है, तो वही थोड़ी सी शायद मेरा चेहरा थोड़ा उतना वो दिखेगा आपको। हाँ सच में आज बहुत दिनों के बाद दोपहर में ना नींद लग गई थी, सो गई थी मैं आज, तो आज मैंने 4 बजे का कुछ भी नहीं खाया था। तो अब एक चना ले रही हूँ, तो उसके बाद मैं घर का काम थोड़ा बहुत करूँगी, समेटूँगी। तमन्ना ट्यूशन जाती है, उसको ट्यूशन भेजूँगी, 7 बजे तक तो ट्यूशन निकल ही जाती है वो, तो उन दोनों का नाश्ता बनाकर उसको उन दोनों को खिलाएंगे। अमन का ट्यूशन कैंसिल है, तो बच्चों का काम करके फिर मैं क्या करूँगी, जैसे तमन्ना ट्यूशन निकलेगी तो फिर मैं अपना रात का डिनर कम्प्लीट करके अब मेरा लास्ट मिल लेकर ख़त्म करूँगी। अच्छा, एक और चीज़ बताना था मुझे कि फाइनली वक्त हो गया है मेरा लास्ट मील रात का डिनर लेने का, तो मैं डिनर में ये लूँगी आज। मेरा पाइनएप्पल बहुत ही पसंदीदा फ्रूट्स है और मुझे पसंद है, और साथ में केला है। मैं ऑरेंज नहीं लूँगी क्योंकि ना, और मेरा थोड़ा सर थोड़ा दर्द सा लग रहा है, तो खट्टा भी नहीं खाऊँगी। और ये जो पाइनएप्पल मैंने लिया है ना, ये बहुत ही मीठा है, बहुत ही टेस्टी है, तो बस यही ले लूँगी रात का डिनर। अपना लास्ट मील ख़त्म करते हैं, आप सब भी ख़त्म कीजिए और साथ में विंडोज़ करते हैं। अच्छा, ये आपने नोटिस किया है मेरा जो वाटर रिटेंशन हुआ था गले में, और यहाँ सूजन थोड़ा सा कम हुआ है ना, सब लोग नोटिस कर रहे होंगे। जिन्होंने नोटिस किया ना मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं फटाफट से अपना डिनर ख़त्म करूँगी, उसके बाद ना आप ना अपने घर में बैकयार्ड में थोड़ा सा चल लेना, खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद आपको थोड़ा सा वॉक कर लेना है, और रात को सोने से पहले 10 मिनट पहले एक नाइट ड्रिंक मैं बताऊंगी, वो आपको पी लेना है, ठीक है।
तो गाइस नाइट ड्रिंक की जो रेसिपी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, बट आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय।